आगरा के थाना ताजगंज में दंपति को स्कूल में बंधक बनाकर लूट करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से हुई फायरिंग में पुलिस के आगे बदमाशों के पसीने छूट गए। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान चार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गोली लगने से दो बदमाश घायल हो गए। इनमें शनि पंडित उर्फ बिहारी पंडित निवासी ग्राम गोपालपुर थाना कदरकोट जिला औरैया, सागर निवासी गुरु गोविंद नगर राजपुर चुंगी थाना सदर आगरा, अरविंद राठौर निवासी मोहल्ला राजीवन नगर नीति बाग थाना ताजगंज और सचिन निवासी मोहल्ला राजीव नगर नीति बाग थाना ताजगंज को गिरफ्तार किया गया है। शनि और सागर पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं। पुलिस ने बदमाशों से 8 सोलर बैटरी, 2 तमंचा, घटना में प्रयुक्त वाहन छोटा हाथी और चोरी की बाइक बरामद की है। ये दिनांक 5 अक्टूबर की सुबह थाना ताजगंज क्षेत्र में सेंट जोसेफ वर्ल्ड स्कूल में एक लूट की घटना कारित हुई थी और उसमें कुछ सामान लूट में गया था। कल यानी दिनांक 9:10 की रात को थाना ताजगंज पुलिस, SOG सर्विलांस नगर क्षेत्र और SOG टीम कमिश्नरेट आगरा की संयुक्त टीमों के द्वारा चार अभियुक्त जिन्होंने इस घटना को कारित किया था उनको गिरफ्तार किया। इसमें पुलिस मुठभेड़ में 2 अभियुक्त घायल भी हुए हैं जिनका उपचार अभी SN मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इन अभियुक्तों के पास से जो लूट की घटना हुई थी उसमें से कारित हुई 8 सोलर बैटरी, 2 LED TV, 10,000 रुपये कैश, जो घटना में प्रयुक्त छोटा हाथी था, 2 तमंचे, कुछ MT कार्ट्रिज और लाइव राउंड्स और 2 मोटरसाइकिल्स बरामद हुई हैं और इन सभी को आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बहुत ही अल्प समय में इस टीम ने ये गुड वर्क करते हुए और इस घटना का सफल अनावरण किया है और इसके लिए इस टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपये का कैश रिवॉर्ड दिया जा रहा है।